हेलो गाइस, पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि मोल क्या है, मोल को हम कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये वाले में हम बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट। तो जो भी तुम्हारे बोर्ड पे जो भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उसको नोट डाउन करो, एक 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 कमर को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है, प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। 52 मोल्स ऑफ हीलियम, अगर अपने पास, सबसे पहला अपना कंसेप्ट क्या था, अगर सपोज तुम्हारे पास में कोई भी चीज़ का एक मोल है। अब अगर देखे, मैं यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ, यूनिट जब भी लिखूंगा यहाँ ई नहीं लिखूंगा, ठीक है। वन मोल, व्हेन आई हैव वन मोल ऑफ हीलियम, जब भी मेरे पास में वन मोल हीलियम रहेगा तो वन मोल हीलियम इसका मास कितना रहेगा, मास इज गोइंग टू बी 4 ग्राम। एक मोल हीलियम का मास कितना रहेगा, 4 ग्राम। हम लिखते टाइम में बहुत बार gm लिखते थे, gm नहीं रहेगा, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ग्राम, मोल में भी e नहीं रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी वन मोल। वन मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना ग्राम रहेगा, मास रहेगा 4 ग्राम, ये जो रहेगा तुम्हारा हीलियम। ठीक है, दिस इज मोल्स, ये रहेगा हीलियम के लिए। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, यू हैव 52 मोल्स। तो अगर सपोज तुम्हारे पास में 52 है, 52 मोल ऑफ हीलियम मतलब कितना मास, x कंसिडर करो, x क्या रहेगा, x इज क्या हो जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, इट इज़ गोइंग टू बी 4 into 52 अगर देखे क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 208 ग्राम। अगर सपोज तुम्हारे पास में 52 मोल्स ऑफ हीलियम है, दैट मीन्स यू हैव 208 ग्राम ऑफ क्या रहेगा, हीलियम। तो हीलियम का मास तुम्हारा कितना रहेगा, हीलियम ऑफ मास इज गोइंग टू बी 208 ग्राम। तो मेन चीज यूनिटरी मेथड बेसिक 8, 9, 10th को इसमें अप्लाई करना है। वन मोल फोर 52 इज गोइंग टू बी x कैलकुलेट करो। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें सेकेंड वाला प्रॉब्लम ये है, 52 U ऑफ हीलियम। सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूजन ये हो जाती कि U का मतलब नहीं समझ पाते बहुत से लोग, वट इज़ मीनिंग ऑफ U, U का मतलब क्या रहेगा। तो अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम। जब भी U का मतलब, अगर सपोज तुम्हारे को U अगर दिया है, U का मतलब रहेगा यूनिफाइड मास, क्या रहेगा, यूनिफाइड मास। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ये रहेगा यूनिफाइड मास। अब ये यूनिफाइड मास में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, जैसे हमारे पास में एक एटम है हीलियम का, किसका, हीलियम का एक एटम हीलियम, इसका मास हमारा हर बार क्या रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी 4U। तो अगर अपने पास में एक एटम है हीलियम, एक एटम हीलियम इसका मास रहेगा 4 यूनिफाइड मास, क्या रहेगा, यूनिफाइड। तो जब भी हम सिर्फ एटम्स के मास के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम क्या लगा देंगे, यू, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। तो वन एटम ऑफ हीलियम इज 4 यूनिफाइड मास। तो अपने पास में क्या दिया हुआ है, हमारे को कैलकुलेट करना है कितने एटम्स है। तो एटम्स को कंसिडर करो एक्स, एटम्स अगर एक्स कंसिडर करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52। इसको सॉल्व करो, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बी 52 बाय 4 अगर देखे तो इट इज गोइंग टू बी 13। तो आपके पास में कितने एटम्स है हीलियम के, यू हैव 13 एटम्स ऑफ हीलियम। तो अगर देखे जनरल पॉइंट, तो अपने पास में अगर सपोज यू दिया मतलब इट इज़ यूनिफाइड मास, मतलब ये मास किसका रहेगा, एक एटम का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्स की वैल्यू तुम्हारी आएगी 13। ये सिंपल सा प्रॉब्लम, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिया हुआ तुम्हारे को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें थर्ड वाला पढ़ो, थर्ड वाला ये रहेगा 52 ग्राम ऑफ हीलियम। वे 52 ग्राम ऑफ हीलियम को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा अपना कौन सा कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, दैट इज मोल ट्राइंगल। मोल ट्राइंगल को यूज़ करके सॉल्व करना है। अब मोल ट्राइंगल को कैसे यूज़ करके सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है अपने को, अब सबसे पहली चीज़ रिलेट करना है किसको, यह रहेगा तुम्हारा मास, मास को रिलेट करो मोल से। और क्या पूछा, एटम्स पूछा है, मतलब पार्टिकल्स। तो रूट क्या रहेगा, फर्स्ट कैलकुलेट मास से मोल, मोल से क्या कर लो, पार्टिकल कैलकुलेट कर लो। ये अगर जम गया तो मोल पे जाने की जरूरत नहीं, वो ओरल कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब अपने को दिया है तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम क्या रहेगा, 52 ग्राम हीलियम, तुम्हारे पास 52 ग्राम हीलियम है, 52 ग्राम हीलियम मतलब कितना मोल, ये तुम्हारे को कैलकुलेट करना है। तो अपने पास में सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या था, 4 ग्राम हीलियम माने कितना मोल, 1 मोल। कैसे निकाले थे, मास, मॉलिकुलर मास और मोलर मास और एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 मोल। तो 4 ग्राम 1 मोल, 52 ग्राम, दैट मीन्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्स की वैल्यू फिर आ जाएंगे 52 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 13।
कितना रहेगा, इट इज़ गोइंग टू 13। इसका मतलब तुम्हारे पास में कितने मोल्स हीलियम है, तुम्हारे पास में मोल्स है 13। अब इसको किससे रिलेट करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अपने पास में सिंपल रिलेशन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, अपन बोलेंगे एक मोल में कितना यू हैव एवोगैड्रो नंबर एन ए 6.022 × 10⁻²³। वन मोल इक्वल टू एन ए, तुम्हारे पास कितना है 13 मोल इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 13 एन ए। ये तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मास। मास को तुम किसके रिलेट कर सकते हो, यू कैन रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये रहेगा मतलब सिंपल करे, तुमने मास से मोल कैलकुलेट करे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 4 ग्राम इक्वल टू 1, 52 ग्राम इक्वल टू एक्स। यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से क्या कैलकुलेट हो गया तुम्हारा, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 13 एन ए। ये रहेगा तुम्हारा बेसिक एप्लीकेशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑन रिलेट मोल कंसेप्ट रिलेटेड टू मास। और उसके बाद में सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे टाइप के मिलते हैं तुम्हारे को। अब इसमें क्या चीज़ पूछे हुआ है तुम्हारे को, इसमें तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब तुम्हारे को एक एटम का मास पूछ रहा है, अपने पास में अगर एक एटम अगर सिल्वर का रहा एक एटम, तो उसका मास कितना रहेगा, या फिर एक मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास में किसका, वाटर का, तो उसका कितना मास रहेगा। अब अगर देखें सबसे पहली चीज़, मतलब फिर किसको रिलेट किया हुआ है यहाँ पे अगर देखिए मास, मास को रिलेट कर सकते हैं हम इसको, और हम किसको रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, किसको रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। कैलकुलेट मास बोला है मतलब मास और पार्टिकल, एक एटम मतलब पार्टिकल। थ्रू किससे जाएंगे हम, वी आर गोइंग टू गो थ्रू मोल, ये मोल से हम जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपने को क्या मालूम रहने को ना, कि सिल्वर का मास कितना, व्हाट इज मास ऑफ सिल्वर। मास ऑफ सिल्वर बता रहा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। तो हम सबसे पहले ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमारे पास में एक मोल अगर सिल्वर है, एक मोल सिल्वर, तो एक मोल सिल्वर में कितने पार्टिकल्स, वन मोल सिल्वर इज गोइंग टू हैव 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, एन ए। ठीक है, अब वन मोल मतलब मेरा कितना मास रहेगा, आई एम गोइंग टू हैव 108 ग्राम सिल्वर। तो अगर मेरे पास में 108 ग्राम अगर सिल्वर है, तो मतलब मेरे पास में कितने पार्टिकल्स उसके, 6.022 × 10⁻²³, दैट इज व्हाट, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। बहुत से लोगों को मास ही याद नहीं रहता, जैसे अब अगर ये देखिए एजी, याद रखने का सिंपल तरीका, सपोज तुम क्या करें, तुम किसी को सिल्वर की माला दे रहे, मोतियों की माला, उसमें कितने माला डाले तुमने, कितने मन के डाले, 108। तो सिल्वर का क्या रहेगा, सिल्वर का रहेगा 108। तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू एन ए, ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन ए। अब तुम्हारे को पूछा है व्हाट इज मास ऑफ वन एटम, अब एन ए लिखने की जरूरत भी नहीं, एटम से पूछा है, तो हम 6.023 × 10⁻²³ ग्राम, 23 पार्टिकल्स इक्वल टू 108 ग्राम। तो वन एटम इक्वल टू हाउ मेनी एक्स, तो अगर देखिए इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ये रहेगा तुम्हारा एक्स, एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 108 डिवाइड बाई 6.023 × 10⁻²³। ठीक है, 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -23, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू, अब 108 और 6 इस 023 को गायब कर दो, 108 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, ये अगर देखिए इट इज़ नियर अबाउट 18, 6 × 20 इज गोइंग टू बी 120। तो 18 अगर करे तो क्या हो जाएगा 108। ठीक है, अब ये इंटू 18 × 10⁻² कितना हो जाएगा, -23। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 18 × 10⁻²⁷ क्या, ग्राम। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा किसके लिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर के लिए, प्लीज नोट इट आउट। इसके बाद ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, नेक्स्ट वाला है तुम्हारा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए क्या कंसेप्ट रहेगा, वन मॉलिक्यूल पूछ लिया, सेकेंड चीज मास ही पूछा है, मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और मास, मतलब मास पार्टिकल, मास और पार्टिकल इनको रिलेट करना है, सेम कंसेप्ट। अब इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, इट इज H2O। तो मतलब तुम्हारे पास में अगर सपोज H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा 18 ग्राम। मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास क्या है, इफ़ यू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्या है तुम्हारे पास में 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर तुम्हारे पास 18 ग्राम अगर वाटर है, तो
इसका मतलब तुम्हारे पास में कितने पार्टिकल्स रहेंगे वाटर के? ये रहेगा 1 मोल, तो 1 मोल लेंगे 18 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, एंड दिस 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 और 23 इंटू 10^23। ठीक है, वो सिंपलिसिटी के लिए 23 लिखा है। अब हमारे को क्या पूछा है, वॉट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल? ये 1 मॉलिक्यूल को इधर मास पूछा है, इसके लिए ये जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से तुम्हारा, इट इज गोइंग टू बी 18 / 6 × 10^23। ये 0 to 3 का डायरेक्ट काट दे रहा हूँ मैं, 1 जा 3 जा, तो इट इज 3 × 10^-23 ग्राम। तो अगर पानी का एक अगर मॉलिक्यूल लिए तो उसका मास कितना आएगा, 3 × 10^-23। ऑप्शन में 3 रहेगा या तुम्हारे को 2.99 वगैरह रहेगा, तो अगर ऑप्शन में 3 या 2.99 रहता है सो आंसर इज ऑब्वियसली क्या रहेगा, 3 × 10^-23 ग्राम्स। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिलेटेड टू मास ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा तुम्हारा, मोल, मास, मोल और पार्टिकल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ